आज मैं मठरी बना रही हूँ और मठरी बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी हैं। ये मठरी होली पर बनाई जाती हैं। मठरी बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये ज़रा देख लेते हैं। मैंने गेहूं का आटा लिया है 1 कप, आधा कप मैदा ली है, 1/4 कप सूजी ली है, आधा चम्मच जीरा लिया है। इसको हथेली से रगड़कर डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। काली मिर्च मैंने ली है 1/3 चम्मच कूटकर, नमक मैंने लिया है स्वाद के अनुसार या 1/3 चम्मच। अब इन सभी चीज़ों को मिला दें। मैंने 1/4 कप तेल इस्तेमाल किया है मोमन के लिए। अब तेल को आटे में मिला दें अच्छे से। मैंने गुनगुना पानी लिया है आटा गूंदने के लिए, तो गुनगुना पानी आप उतना ही आटे में लगे जितना उतना ही आप लेके डालें। मैंने यहाँ 1/4 कप गुनगुना पानी इस्तेमाल किया है। 1/4 कप से मेरा थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब पानी बच गया था, तो आटा हमें जो है टाइट रखे गूंदना है। हमें आटे को सॉफ्ट नहीं बनाना है, काफ़ी टाइट रखना है हमें आटा। और ये आटा गूंद के तैयार है। हम इसे रख देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम आटे को वापस से थोड़ा चिकना कर लेंगे और इसकी लोइयां काट के तैयार करेंगे। लोइयां आप अपने हिसाब से काट के तैयार कर सकते हैं, थोड़ी बड़ी या थोड़ी छोटी। तो सारी मठरियों के लिए लोइयां एक जैसी बना के तैयार करें। अब एक लोई को हथेली से दबाते हुए बेलन से हम उसे थोड़ा बेल लेंगे और एक टूथपिक की सहायता से हम इसमें छेद बना लेंगे। टूथपिक उल्टी तरफ से इसके छेद बनाएं ताकि थोड़े से बड़े छेद इसके बने। और एक मठरी बन के तैयार है। इसी तरह हम सारी मठरियों को बना लेंगे। अब हम चलते हैं मठरियाँ तलने के लिए। तो यहाँ मैंने तेल लगाया कढ़ाई में, तेल चेक कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो ये आटा उठ के ऊपर आ रहा है। तेल अच्छा गरम है। अब हम इसमें मठरियाँ लगा डाल देंगे। मठरियाँ आप जितनी इस कढ़ाई में एक बार में बन जाएं आप उतनी मठरियाँ इसमें डाल के तल सकते हैं। मठरियों को एक साइड गोल्डन कलर आने पर पलट लें और सावधानी से पलटें क्योंकि पलटने पे तेल कहीं ऊपर ना आए। ये मठरियाँ दोनों साइड से अच्छी सुनहरी हो गई हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं और कड़छी को कढ़ाई पर रोकते हुए इसका एक्स्ट्रा तेल निकाल देंगे। और एक बार की मठरियाँ तलने में हमें 4 मिनट लगे हैं और ये मठरी अच्छी गोल्डन ब्राउन होके सीख कर तैयार हुई हैं। मठरियाँ बन के तैयार हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।